स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और हम बात कर रहे हैं भारतीय संसद पर आधारित प्रश्न सेट को लेकर, और ये सेट नंबर 8 है। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, है ना। तो पहला सवाल है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकता है। इसके बाद चार विकल्प दिए गए हैं, और बताना इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि बिना किसी राज्य की सहमति से अनुच्छेद 253 के तहत। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। चार विकल्प हैं, बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है ए बी सी डी में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 14 दिनों तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। चार विकल्प हैं, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि जो धन विधेयक है ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बाकी सभी यहाँ पे गलत है। ठीक, तो सही विकल्प बी, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। चार विकल्प हैं यहाँ पे ए बी सी डी, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अनुच्छेद 118(4) के तहत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। चार कथन दिए गए हैं, उसके बाद हमको कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला कथन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, और तीसरा है कि संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और चौथा है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। चार विकल्प हैं ए बी सी डी, हमको बता रहे हैं इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 4, क्योंकि जो संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद 108 के तहत ये तब आयोजित होता है जब किसी भी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद चल रहा हो, तब होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। ठीक है, दूसरा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। ठीक है, और तीसरा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। अब बताना है कि इनमें से कौन से सही है। विकल्प ए में है 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3, और डी में है 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों यहाँ पे कथन सही है।
ठीक है, और अब हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी किस मामले में। चार मामले दिए गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ये 6 मई 1961 को किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। चार विकल्प हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, साधारण विधेयक के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। चार विकल्प है, बताना है कि कहाँ पे रखा जा सकता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं, पहला है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत या लैप्स हो जाता है, और दूसरा कथन है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। चार विकल्प है ए बी सी डी, ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी में है कि ना तो एक ना ही दो, ये है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि केवल दो। देखिए होता क्या है कि दो केवल दो, जो दो विकल्प है वो सही है। अनुच्छेद 107 जो है वो उसके 3 के तहत संसद में लंबित कोई भी विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण अव्यवगत नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे विकल्प ए गलत हो जाएगा। सॉरी विकल्प ए बोलता हूँ, कथन ए गलत हो जाएगा और सिर्फ कथन दो सही रहेगा, है ना। अब बात कर लें हम क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है या होता है, है ना। चार विकल्प दिए गए हैं, यहाँ बताना है किसका नियंत्रण होता है। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, भारतीय संसद का, अनुच्छेद 266 के अनुसार। ये अनुच्छेद 266 जो है ये भारत की संचित निधि के बारे में बताता है और इस पर भारतीय संसद का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो विकल्प डी होगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। चार विकल्प हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। ठीक है, बाकी सभी जो जितने अन्य हैं वो भारत के संचित निधि पर भारित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। चार विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी डी। ए है कि ऐसे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, बी है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते, सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, और डी है राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते। हमको यहाँ बताना है कौन सा भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि संघ की सरकार या यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद 3 कथन दिए गए हैं और इसके बाद हमको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है कि भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। और तीसरा है कि लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों
यानी कि डिसबर्समेंट के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता है। उनको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन कौन से सही है। चार विकल्प हैं, ए में है केवल एक और दो, बी में है दो और तीन, सी में है केवल दो, डी में है एक दो तीन, यानी कि सभी। तो यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा, केवल दो, कि भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई भी धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। पहला गलत है और तीसरा गलत है, क्योंकि क्या है, जो बजट तैयार की जाती है इसकी प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है, न कि सिर्फ राजस्व विभाग की। क्या होता है कि वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग होता है, ये पिछले वर्षों में यानी विगत वर्षों में जितने भी राजस्व संबंधी आंकड़े होते हैं उनके संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करने का कार्य करता है। ठीक है, तो सिर्फ राजस्व विभाग जिम्मेदार है ऐसा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और लोक लेखा की बात करें यानी कि पब्लिक अकाउंट की बात करें, जिसे कि सार्वजनिक लेखा भी कहा जाता है, तो इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 266 दो के तहत। ठीक है, तो ये था संसद पर आधारित प्रश्नों का सेट नंबर 8। नमस्कार, जय जय भारत।